आपका जोहार। मैं अभी हूँ नवानी गांव मध्य प्रदेश में, वो छतरपुर जिला में आता है। आज आपको दिखाऊंगा ये गांव कैसे है। वो गांव का लोग पूरा आदिवासी है, वो कैसे बसते हैं, उनका घर कैसे है, आप दिखाऊंगा आज। ये निमानी गांव है, आपका जिला का नाम क्या है? छतरपुर। छतरपुर ब्लॉक का नाम? बक्सवा है। तो वो पत्थर में घर बनाया है। इसको लोकली पलसा पौधा बोलता है। वो पत्ता झड़ गया है, नया पत्ता आ गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी भी टाइल का घर गांव में मौजूद है। ये घर क्या टूट गया है क्या? गांव का हाउसिंग स्टाइल है ये, उनका इंडिजिनस स्टाइल है, पहले से बना है। एस्बेस्टस भी लगा दिया, टाइल जहां पे टूट गया है। ये भी यार मिट्टी के बना के यहां पे भी छत लगा दिया, यहां पे एक नया घर बन रहा है। बेटी ने पानी लेकर आ रहा है। ये घर नहीं है, घर का कंपाउंड वाला बन रहा है पूरा। यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा होता है घर बनाने के लिए, बहुत सुंदर भी लग रहा है। आपका घर का मैं वीडियो कर रहा हूँ, सुंदर है। ये घर कब से बनाया है? अभी बनाया है। ये कोई सरकारी योजना है और ऐसे कौन सा योजना? कुटीर बोलते हैं ना, कुटीर। कितना पैसा मिलता है इसमें सरकार से? एक लाख बीस हजार अच्छा। तो कब कितना किस्त में मिला? चार में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुबिहारी है। दुबिहारी बिहारी के नानो ही है। पिताजी की है। हाँ वही है, ठीक है। पिताजी का नाम पे, पिताजी का नाम क्या है? बाल किशन। वो आदिवासी है? आदिवासी। अच्छा ठीक है, मकान अच्छा है। पत्थर में बनाया है? पत्थर कहाँ से लिया? पत्थर गांव में मिल रहा है? अच्छा से पत्थर में बनाया है, लेकिन ऊपर छत जो है कंक्रीट का है। ये जो गांव का स्टाइल का बिल्डिंग है, डबल स्टोरीड है, बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको क्यों आप रिपेयर क्यों नहीं करते हैं? ये पत्ता में घर बना है बहुत अच्छा से। ये कौन सा पत्ता है? छोला का पत्ता। छोला का। राजा राम राम। वो पत्ता का है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सरकारी घर नहीं मिला है? नहीं। बात कर ले। आपको नहीं मिला है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बुखार चल रहा है। अच्छा ठीक है, सरकारी घर नहीं मिला है। सरपंच क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं ना? हाँ जी। मुखिया क्या बोलते हैं?
कुट्टी क्या बोल रहा है? जिनको मिल गया था। जिनको मिल गया जी तैयार हो जान दो फिर मिले है। अच्छा ठीक है, आप क्या सोचते हैं मिलेगा है? मिलेगा बताओ आप फल मिलेगा मिलेगा नहीं? ठीक है, उनका एक फोटो लेंगे। भाई तो आ रहे हैं आप लोग, पत्ता को बनाओ दो बहुत कम में। आप दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? अरे बताओ, अरे तुम पढ़ाई कर रहा है? कितना क्लास तक पढ़ाई किया? आठवीं तक। उनका बात बंद कर दिया तुम? आठवीं के पेपर का। आपका दो बेटी है? चार। चार बेटी? अच्छा, चार से ये दोनों ये तो पढ़ाई बंद कर दिया, वो आठ का परीक्षा दिया है, और दोनों? एक की शादी हो गई, एक छोटी है। अच्छा, एक की शादी हो गया, तो आगे क्या करना है? तो तुम तो पढ़ाई बंद कर दिया, तो कैसे क्या होगा? शादी तो आगे। शादी इतना जल्दी, छोटा बच्चा है। ठीक है, खेती में क्या क्या करता है? पीसीसी। गेहूँ है? गेहूँ कितना क्या है? गेहूँ कितना हुआ है? दो चार क्विंटल। दो चार क्विंटल घर के लिए हो जाएगा और बेचना पड़ेगा? बेच के नहीं करा। हाँ, घर के लिए हो जाएगा, घर के लिए। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा करंदा का पेड़ है, ये खट्टा होता है ना, उनका फल का ये अभी फ्लावरिंग हुआ है, अचार बनता है। हाँ, ये अनार है, छोटा सा एक अनार है। ये कागजी लेम्बू है? लेम्बू ये क्या लैटिन है? हाँ, ये लैटिन है उनका, वो बनाया है, वो उनको व्यवहार नहीं करते शायद। क्या? हाँ ठीक है सर, जो भी बना लें दो वो आप बता चलो कि कैसे अपन। यहाँ पे कितना आदिवासी परिवार है? यहाँ पर आदिवासी के जनसंख्या मतलब 400 है, 450। 450 है पूरा इस गांव में, सिर्फ आदिवासी है। ठीक है, और लोग कैसे बचते हैं? जंगल से क्या मिलता है? जंगल से इनको लकड़ी, महुआ, चरवा, दाद मिलता है। और खेती क्या क्या होता है? खेती यहाँ पर सोयाबीन, उड़द। हाँ, ये बरसात की खेती है। हाँ, और ये जो खेत की खेती है वो गेहूँ, चना। अच्छा, चना। तुमको सोयाबीन में कितना पैसा मिला इस बार? इस बार मेरे पास तो नहीं है खेती। खेती तुम्हारा नहीं है? अरे जे और भी बैठे यार, बुला नहीं हो ना? बुला लो, प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ये बढ़िया है, चौपाल यहाँ ठीक है, ये चौपाल ये घर ठीक है, ये आवास योजना में मिला है? अच्छा, पिताजी को मिला है और आपको मिला है? पिताजी को मिला। अच्छा, आपको नहीं? तो कितना पैसा मिला है इसका? मिला है 1,20,000। गांव में इतना इस टाइप का कितना घर बने हैं इस पैसा में? इस टाइप के बहुत सारे घर। कितना होगा? इतना तो नहीं पता कर सकते अपन। अच्छा, अपन के पास 250 आइए सब लोग बैठिए, पूरा गाँव में, पूरे गाँव में। बकरी का घर है ये, ऊपर जो डाला है क्या है? घास है? जंगल से लाया है? जंगल से। बकरी कितना है आपका टोटल? ये 10-15 होंगे। हर साल बेचते हैं कुछ कुछ? नहीं, थोड़ी थोड़ी बेचते, एक दो तो। एक साल में कितना रुपया मिलता है इसमें? इसमें मिल जाता है सर 8-10,000 रुपये। 8-10,000 साल में मिल जाता है? 8-10,000 मिल जाती है। अच्छा जी, तो उनको कौन देखभाल कर रहा है? हम लोग करते हैं, खुद करते हैं। अच्छा,
लेके जाते है डेली? डेली लेके जाते है, अभी अभी निकाल के आए। अच्छा, अभी खाना खा लिया? खाना खा लिया। क्या नाम है आपका? पूजा स्थान, ये पतका वाला, ये पहले था क्या आपका गांव में? बहुत नहीं, ये ऐसे पतका लगाते थे पहले तुम्हारा बचपन में? बचपन से बहुत पहले से लग रहा है हम लोगों को ऐसे पतका लगा रहा है, बब्बा के पहले से लग रहा है। अच्छा, हम लोगों को नहीं पता। ये कौन सा देवता है पता है, नाम क्या है? ये माता है, दुर्गा माता है। दुर्गा माता है, ठीक है ठीक है। तुम्हारा मेन पर्व कौन सा होता है, कब पूजा होता है आपका? पूजा पूजा नहीं होता है आदिवासी संप्रदाय का? होती है, माता की पूजा होती है। माता की कब होता है? नौ दुर्गा हर त्योहार पे होती है। अच्छा, हर त्योहार आता है, हर त्योहार को। आज हुआ है, आज जो नवमी है देखो ना आप। हाँ, आज भी पूजा हुआ है, लींबू दे के पूजा हुआ है। देखिए लींबू लगा के पूजा किया है, आज नवमी है तो इसीलिए रामनवमी। छत के ऊपर लावकी है, वो बारिश में होता है। ये पहले से वो ऐसे करते थे पत्थर में और टाइल में, आजकल कंक्रीट घर कर रहा है जो पैसा मिल रहा है सरकार से। सर ये पहले का मिला था आवास, इसका कुछ भी नहीं मिला है। नहीं मिला है? ठीक है चलो। जंगल किसका है अभी जो जंगल है जहाँ पे मोबाइल आता है वो जंगल किसका है? वन विभाग का है। तो वन विभाग का जंगल से आप लोग क्या लाते हैं? महुआ। और क्या लाते हैं? चरवा। अच्छा, लोग जागरूक नहीं है इसलिए वो समझते हैं कि ये वन विभाग का जंगल है। हाँ। जंगल प्योर शुरुआत से आदिवासियों का है। अच्छा, थोड़ा आदिवासी इसके धरकर्ता धरता रखवाले सभी हैं। आपका नाम क्या बोला? नंदराम आदिवासी। तो आपका हिसाब से क्या है जंगल किसका है? जंगल है हमारा ही हुआ, इसलिए देखभाल उसकी हमारे ही। देखभाल आप लोग करते हैं? कैसे करते हैं देखभाल? देखभाल ये करते हैं कि मतलब जो हमारी काम की चीज है उसको हम कटने नहीं देते, जैसे महुआ हो गया, चरवा हो गया, अचार का पेड़, आंवला हो गया, ये सारे चीजों। अच्छा। अब कोई मतलब हम लोगों के यदि हम लोग वहाँ पर नहीं है कि कोई हमको टकराता नहीं, वह वैसे काट जाए तो फिर कट ही रहा है। नहीं नहीं, जो जंगल से ये चीज छोड़ के और क्या मिल रहा है? उसी चीज छोड़ के तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता क्या आप लोग तोड़ के बेचते हैं? और बिल्कुल नहीं नहीं, कोई सरकार का लोग तोड़ाता है और खुद तोड़ के बेचते हैं? नहीं नहीं, सरकार सरकार तोड़ देगा। सरकार क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तोड़ता है? दोनों रहते हैं ना, सरकार मतलब ठेकेदारी होती है, जो ठेकेदार एक आता है वो तोड़ता है, तोड़वाता है। पैसा कितना देता है आप लोग को? 250 का सैकड़ा। पिछला बार कितना दिया था? 250। कितना? सार पत्ता को सैकड़ा, मतलब 100 गड्डी का 250 रूपए। एक गड्डी में कितने पत्ते होते? 50। 250 रूपए मिला, मतलब एक बंडल में 50 पत्ता और 100 बंडल का कीमत था 250 रूपया। तो इसका मतलब है एक बंडल का कितना हुआ? 250 रूपया। केंदुपत्ता कौन तोड़ता है, माता जी और आप लोग? सब तोड़ते हैं। और महुआ? महुआ तो बच्चे तक सब मिलके। अच्छा ठीक है। तो एक परिवार को कितना पैसा मिलता है तेंदुपत्ता में? एक परिवार को कितना पैसा मिलता है भैया? एक परिवार कितना कमा लेता है तेंदुपत्ता से? आपको कितना मिला था? ये है लोगों की संख्या के ऊपर। फिर भी कितना मिनिमम कितना मिलता है? 1000-2000 रूपए 1000-15 दिन में। हाँ, और महुआ से? महुआ से 2000-5000 रूपए मिलते हैं। 2000-5000। ये चार से? चार से मतलब 10000 से ऊपर हर साल सब चीज मिला के मिल जाता है। जो जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से है, मेहनत के हिसाब से। इसमें महुआ पत्ती और अचार और ये आंवला गुली, हाँ, इन सबको मिला करके 60-70 हजार की समथिंग आ जाता है एक एक परिवार को। परिवार को एक साथ।
अच्छा, अब इसमें वो परिवार काम कितना कर रहा है हैं और नहीं कर रहा है तो वो उस पर डिपेंड करता है।